खाते में 10वीं किश्त का पैसा पहुंचा है या नहीं, ऐसे जान सकते हैं स्टेटस। पीएम किसान स्कीम के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 किश्तों में साल में 6000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो 10वीं किश्त आपके खाते में पहुंची है या नहीं इसका स्टेटस घर बैठे चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त जारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10.09 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों को 20,946 करोड़ रुपए की 10वीं किस्त जारी की। स्कीम के बाकी लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खाते में भी 10वीं किस्त का पैसा पहुंचने लगा है। पीएम किसान स्कीम के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 किस्तों में साल में 6000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो 10वीं किस्त आपके खाते में पहुंची है या नहीं इसका स्टेटस घर बैठे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट दाईं तरफ फार्मर्स कॉर्नर का विकल्प मिलेगा। नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए। यहाँ क्लिक करने के बाद लाभार्थी किसान की सभी किश्तों का स्टेटस सामने आ जाएगा, यानी कौन सी किश्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई। अगर ना क्रेडिट हो 10वीं किश्त तो कहाँ करें शिकायत। पीएम किसान की 10वीं किश्त धीरे धीरे सभी लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में पहुंच रही है, लेकिन अगर कई दिनों तक ये किश्त आपके खाते में क्रेडिट नहीं होती है तो फिर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पीएम किसान योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने या समस्या होने पर शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी मौजूद है। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 है। इसके अलावा पीएम किसान टोल फ्री नंबर 1800-1155-266 और पीएम किसान लैंडलाइन नंबर 01-233-8102 व दूसरा नंबर 01-243-00606 भी है। पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन 01-20-6025-109 और मेल आईडी pmkisan-ict@gov.in है। ध्यान रखें कहीं हो ना जाए गलतियां। पीएम किसान स्कीम का पैसा अगर खाते में नहीं पहुंचता है तो उसकी वजह कुछ चूक हो सकती है जो जानबूझकर नहीं की गई लेकिन फायदा पाने में आड़े आ रही है। पीएम किसान योजना के लाभार्थी तक पैसा ना पहुंचने की एक वजह ये हो सकती है कि आधार नंबर की गलत जानकारी फीड हो गई हो या फिर उन्होंने आधार की जानकारी दी ही ना हो। कुछ अन्य वजहों में आधार कार्ड पर नाम या पता गलत होना, आधार और बैंक में नाम में अंतर होना, बैंक अकाउंट की गलत जानकारी, आधार अथॉरिटेशन का फेल होना आदि शामिल है। इसके अलावा गांव के नाम में गलती भी एक वजह हो सकती है, इसलिए किश्त पाने के लिए सभी डिटेल्स को तुरंत चेक करें और अगर कोई गलती हो तो उसे ठीक कराएं। कैसे सुधार सकते हैं गलती। किसान रिकॉर्ड में सुधार या तो कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर करा सकते हैं या फिर पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में इसके बाद फार्मर्स कॉर्नर में बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वहां आधार नंबर, अकाउंट नंबर और फोन नंबर का विकल्प दिखेगा। यहां आप देख सकते हैं कि आपकी सूचना सही है या नहीं। आधार दर्ज नहीं है तो उसे दर्ज करें, गलत है तो सही आधार नंबर डालें। इसी तरह अगर कोई अन्य डिटेल गलत है तो उसमें सुधार करें और कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दें। अगर आपका आवेदन किसी डॉक्यूमेंट की वजह से रुका हुआ है तो वह डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। अगर खाता संख्या गलत है तो आपको अपने कृषि विभाग कार्यालय में लेखपाल से संपर्क करना होगा। स्कीम में वक्त के साथ हुए कुछ बदलाव। 24 फरवरी 2019 को जब पीएम किसान स्कीम को लॉन्च किया गया था तो इसका फायदा केवल 2 हेक्टेयर तक जोत वाले छोटे और सीमांत किसान तक ही सीमित था। बाद में स्कीम में 1 जून 2019 के संशोधन किया गया और इसे सभी किसान परिवारों तक विस्तारित किया गया, फिर चाहे उनकी जोत या साइज कितनी ही क्यों ना हो। यानी अब कितने हेक्टेयर जोत वाला किसान स्कीम के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकता है। स्कीम के तहत लाभ 6000 रुपया सालाना प्रति परिवार है जो 2000 रुपए की 3 किश्तों में मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें फोन पे कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है।